बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम सभी कहाँ घूमने आए हुए हैं, दिखाएंगे आप सभी कहाँ घूमने आए हुए हैं। आज मंगल है इसलिए फास्टिंग है। देखिए आज ऊपर में हम लोग नीचे में जाएंगे तो दिखाएंगे पूजा का स्थान। यहाँ से पूरा स्टेशन दिखता है। देखिए यहाँ साइड में पार्क भी है, इसका नाम है बुद्धा पार्क। यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ दिखता है कि नीचे में कितना भीड़ है मंदिर के लिए। स्टेशन भी है यहाँ पर। स्टेशन है, स्टेशन का नज़ारा ऊपर से देखिए किस तरह दिखता है। देखिए यहाँ पर ये जो शिव पार्वती का मंदिर है, इसमें यहाँ पर लोग शिवाभिषेक कराते हैं। जिसको जितना दान दक्षिणा देना रहता है यहाँ पे देता है अपना। मनोकामना पूरा होता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा से डिजाइन बनाए हैं, जैसे राम मंदिर जैसे। इसमें जो भी दान देना रहता है लोग देता है। आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, ऐसे लगता है गोल्ड का है बना हुआ। देखिए आप सभी को आगे दिखाते हैं। देखिए आगे के मंदिर सब दिखाते हैं आप सभी को। इधर से जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। देखिए यहाँ पर है दुर्गा माँ का मंदिर। यह सभी मंदिर है यहाँ पे, सभी चीज़ के लिए। दुर्गा माँ भी है यहाँ पे। देखिए आगे इसमें है, देखिए यह मंदिर बहुत फेमस है, महावीर मंदिर है जो पटना में है, जंक्शन के पास है, इसलिए यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। इसलिए आज हम सब भी मंगल फास्टिंग किए थे, आए थे प्रसाद चढ़ाने। यहाँ का प्रसाद भी बहुत फेमस है, बहुत प्रसाद बिकता है यहाँ का। यहाँ विदेश विदेश से कारीगर सब आता है प्रसाद बनाने। आप सभी भी कभी आइएगा घूमने तो ज़रूर जाइएगा महावीर मंदिर पटना में। देखिए यहाँ नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए नीचे भी कितना भीड़ है चारों तरफ से, इसलिए भीड़ रहता है कि यहाँ पे जंक्शन है बगल में। जंक्शन हर लोग आता है मंदिर, हर लोग एवे करते हैं। देखिए नीचे का नज़ारा है, यहाँ पर हर समय भीड़ लगा ही रहता है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, रात 11 बजे लगभग बंद हो जाता है। देखिए ये नाग देवता का मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कहा जाता है कि यहाँ पर जो मनोकामना मांगता है उसको पूरा हो जाता है। आप सभी भी जरूर आइएगा, कुछ मनोकामना होगा तो कीजिएगा। ये बगल में दान पेटी भी है, इसमें दान भी दे सकते हैं आप सभी आके। यहाँ पर और जो जिसको पूजा करना है आके कर सकते हैं, अपना बैठ के भी कर सकते हैं। बजरंगबली का हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं,
कथा भी पढ़ सकते हैं, किताब सब अवेलेबल रखे रहते हैं। देखिए सब पूजा कर रहे हैं बगल में बैठ बैठ के, अपना अपना सब लेके दिया हुआ धूप उप जला के। देखिए मंदिर है, छोटा छोटा शिवलिंग है। अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। इसी तरह मैं आप सभी के लिए नए नए कुछ ब्लॉग लाते रहेंगे। देखिए ये मंदिर है बजरंगबली का, जो खास है यहाँ पर प्रसादी चढ़ाया जाता है और इस प्रसादी को और दूसरे मंदिर नहीं चढ़ाया जाता है। आप बाहर से भी प्रसादी ला के इसमें नहीं चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ही लेना पड़ता है इसका प्रसादी, जो यहाँ का प्रसादी बहुत फेमस है। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का प्रसादी। अब आप लोग आइएगा तो खा के बताइएगा कैसे लगते हैं। कितना बड़का कितना बड़ा सा पंक्ति लगाया हुआ है, सभी एक साथ खड़े हैं। ये अपने सब किताब लेके पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पूजा कर लिए हैं, प्रसाद उरसाद चढ़ा लिए, जो फूल उल माला सब यहाँ पर मिलते हैं सब खरीद के हम लोग चढ़ाए हैं। आज फास्टिंग है, अभी थोड़ा भीड़ कम हो गया है, सुबह के टाइम बहुत भीड़ रहता है, इसलिए हम लोग कुछ लेट से आए कि ज़्यादा भीड़ ना हो, आप सभी को भी दिखा सके मंदिर। इधर से देखिए ऊपर जाने का सीढ़ी है, ऊपर भी मंदिर सब है। देखिए ऊपर से इस साइड कितना अच्छा से है। देखिए राम सीता और विष्णु जी का है मूर्ति, ये सरस्वती माँ है। हर देवी देवताओं का मंदिर बनाया है साइड साइड करके यहाँ पे, आप सभी आकर भी पूजा कर सकते हैं। देखिए राम सीता और विष्णु जी हैं, कितना अच्छा से सजाया हुआ है। ये सरस्वती माँ है, देखिए गुफा तरफ बना हुआ है, इसमें भी शिवलिंग है छोटा सा, पूरा अंधेरा है इसमें, आप सभी को दिखाते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है वो अच्छा से। देखिए जंक्शन करना जा रहा है।